लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 3A, दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 15 इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली. हमें ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है. एंड फाइंड द वर्टेक्स, हमें वर्टेक्स निकालने, कॉर्नर्स निकालने एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस. और एरिया निकालना है उस ट्राइंगल का जो कि लाइंस और एक्स एक्सिस के थ्रू बना है. तो कैसे करेंगे, चलिए इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करते हैं. इक्वेशन फर्स्ट है एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, राइट. तो यहाँ पे हम प्लस टू इधर ले आएंगे तो ये बन गया एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू. अब हम यहाँ पे एक्स को कुछ भी लिख सकते हैं या वाई को जीरो रख सकते हैं, तो एक्स इजीली निकल जाएगा. तो हमने रखा यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग वाई इक्वल्स टू जीरो. हमने वाई जीरो रखा तो एक्स माइनस टू इंटू जीरो इक्वल्स टू माइनस टू. तो एक्स कितना आ गया, माइनस टू आ गया. तो वाई अगर जीरो है तो एक्स है माइनस टू, राइट. अब पुटिंग वाई इक्वल्स टू वन, वाई वन रखा तो देखिए एक्स माइनस टू इंटू वन इक्वल्स टू माइनस टू. तो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू हो गया. तो एक्स क्या आ गया, माइनस टू प्लस टू. तो एक्स आ गया हमारा जीरो. तो एक्स जीरो आ गया अगर वाई वन है. अब पुटिंग हमने वाई टू रख लिया, वाई इक्वल्स टू टू. तो ये कितना आ गया, एक्स माइनस टू इंटू टू इक्वल्स टू माइनस टू. तो ये आ गया एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू. एक्स कितना आ गया, माइनस टू प्लस फोर. तो एक्स आ गया हमारा टू. तो एक्स टू आ गया अगर वाई भी टू है. नेक्स्ट इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो. अब यहां से हम सिक्स इधर राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो इक्वेशन बन गई हमारी टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स. यहाँ हम ग्रिड में एक्स और वाई की वैल्यूज लिख लेंगे अलग से. तो हम यहाँ पे देखिए, अगर एक्स को हम कुछ भी लिखिए तो वाई इजली सॉर्ट आउट हो सकता है. तो हमने लिखा पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो ये आया टू इंटू जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स. तो ये आ गया वाई इक्वल्स टू सिक्स. अगर एक्स जीरो है तो वाई आया हमारा सिक्स. अगर हम पुटिंग, अब हम वाई को जीरो मान लेते हैं, वाई इक्वल्स टू जीरो. तो ये कितना आया, टू एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू सिक्स. तो ये आ गया टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स. तो एक्स कितना आ गया, सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री आ गया. तो y अगर जीरो है तो x आ गया हमारा थ्री. अब देखिए हमने y को या x को और कुछ मान सकते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू वन. तो ये आया टू इंटू वन प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स. तो टू प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स. तो y आ गया हमारा सिक्स माइनस टू दैट इज वाई इक्वल्स टू फोर. तो एक्स अगर वन है तो वाई है हमारा फोर. चलिए ग्राफ बनाते हैं. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है. और ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स हैं और ये हमारी इक्वेशन टू के पॉइंट्स हैं. अब वो कह रहा है वाई जीरो है तो एक्स माइनस टू है. तो वाई जीरो है तो एक्स माइनस टू, ये वाला पॉइंट आ गया. तो यहाँ पे ये मार्क कर दिया हमने, x माइनस टू है तो y जीरो है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x जीरो है तो y वन है, x जीरो है तो y वन है, ये वाला पॉइंट आ गया. तो यहाँ पे हमने लिख दिया x जीरो y वन. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x टू y भी टू. तो
एक्स टू वाई भी टू, ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया एक्स टू वाई भी टू, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे लाइन लिख दीजिए एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है एक्स जीरो है तो वाई सिक्स है, एक्स जीरो है तो वाई सिक्स है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया एक्स जीरो है तो वाई सिक्स है। नेक्स्ट कह रहा है एक्स थ्री है तो वाई जीरो है, एक्स थ्री है कब, जब वाई जीरो है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया थ्री एंड जीरो। नेक्स्ट कह रहा है एक्स वन है तो वाई फोर है, एक्स वन है तो वाई फोर है, ये वाला पॉइंट, ये आ गया एक्स वन वाई फोर। तीनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे, तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पे लिख लीजिए टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हमें क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है। तो एक्स देखिए, एक्स और वाई की जहां ये इंटरसेक्ट किया है वही है, तो यहाँ पे एक्स की तरफ देखें तो भी टू और वाई की तरफ देखें तो भी टू, तो दोनों पॉइंट्स क्या आ गए, टू टू। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ये वाई की वैल्यू आ गई और ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स आ गया हमारा टू और वाई भी आ गया हमारा टू, राइट। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने और वर्टेक्स निकालने, उसके लिए देखिए ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस से रिलेटेड बताना था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तीनों वर्टेक्स को मिक्स करके मिला के जो लाइंस बना रही है ट्राइंगल, वो ये वाला ट्राइंगल है। अब वर्टेक्स कौन कौन सा आ गया, एक वर्टेक्स तो ये आ गया माइनस टू एंड जीरो, एक आ गया टू टू और एक आ गया थ्री जीरो। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये आ गया एक वर्टेक्स ए पॉइंट, ये आ गया सेकेंड वर्टेक्स बी पॉइंट और ये आ गया सी वर्टेक्स थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट वर्टेक्स हुआ माइनस टू एंड जीरो, ए आ गया हमारा माइनस टू एंड जीरो, बी हमारा आया दोनों टू और सी आया हमारा थ्री जीरो। अब हमें बेस निकालना है और हाइट निकालनी है ट्राइंगल का, एरिया निकालने के लिए, राइट। तो देखिए कैसे पता चलेगा, अब बेस देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक का बेस है, तो देखिए कितनी यूनिट्स हो गई, वन यूनिट टू यूनिट थ्री फोर एंड फाइव यूनिट, तो बेस कितना हो गया फाइव। और हाइट देखिए यहां से यहां तक की वन यूनिट एंड टू यूनिट, तो हाइट होगी टू यूनिट और बेस हो गया फाइव यूनिट, तो हाइट हो गई टू यूनिट एंड बेस हो गया हमारा फाइव यूनिट। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस है हमारा फाइव यूनिट और हाइट है हमारी टू यूनिट, टू से टू कैंसिल हो गया, तो एरिया कितना आ गया फाइव। यूनिट काय में आएगी, स्क्वायर में आएगी, तो स्क्वायर यूनिट इज द आंसर।